आए कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने मन का दर्द छुपाए चुनरी हर रंग में रंग जाए चुनरी मन का दर्द छुपाए चुनरी हर रंग में रंग जाए चुनरी हवेली में अपने नौकरों पे डालना। रानी तेरे अख में बहुत कशिश, बंदा एक बार नजर मिला लेना तो बचा नहीं सकता। चल रानी घर चले, अम्मा इंतजार कर रही है। क्यों देखते हैं सिलोनी को? हैं? क्यों ना देखूं? सिलोनी तो मेरे घर वाली है। मोया शक्ल देखिए शीशे, खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो। अरे सिलोनी समझा अपनी सहेली रानी को। ठीक कह रही हो, मैं तेरे घर वाली नहीं, चल जा यहाँ से। ओ कसम खुदा का तौबा तौबा, वो शोहर की नाफरमान बीवी जहन्नमी होती है, जहन्नमी। तू जब निकी निकी बाल थी ना तो तेरे साथ मेरा निकाह हुआ था, पंचायती गवाह है, इसलिए तू मेरे घर वाली है। मैं तेरे घर वाली नहीं हूँ, लत त्रोड़ दूंगी तेरी, लंगड़ा बन के फिरता रहेगा, कह दो। कर ले बातें, कर ले, तुझे तेरी बातें करनी है रानी, कर ले। ए सिलोनी अब बहुत जल्दी तेरी रुखसती लेकर जाऊंगा, तुझे अपने घर लेके जाऊंगा डोली में बिठा के। रानी मीकू घर छोड़ा चल बुड्ढा, पता नहीं क्यों मासी ने इसके साथ इसका निकाह किया था, अल्लाह करे रुख से पहले मर जाए। अरे मरूंगा नहीं, हाँ ब्याह के चावल खाऊंगा ब्याह के। चिलोरी को डोली में बिठा के जाऊंगा, मेरा जन्म मसाता। बंदा कुछ ही लेता है, कितने गुस्से में आए हो, कोई लड़ाई खड़ाई तो नहीं थी गई? चंगा चाचा तू खुद बता दे क्या थी गया है। तेरा कोई दीन ईमान है? पूछा इसलिए नहीं है, तू तो जब भी आता है गुस्से में आता है, कि ये कोई नवी बात है? जब भी आता है कोई ना कोई परेशानी है। बख्श मेरा चंगा अपनी घर वाली को, हमेशा पुट्ठी बात करती है पुट्ठी। ओ चाचा अम्मा ने तो सच्ची बात की है, तू सिद्धी कर दे। और हुआ क्या है पशु? और जितनी जल्दी थी सगे सिलोनी की रुखसती की बात करो और उसको इस घर में ले आओ, वो बड़ी हो गई है, समझदार है, कल कला को किसी की बातों में आ गई तो कम खराब थी सकता है, वनी का निकाह है, अब इस रुखसती की बात को छेड़ो। उसको इस घर में ले आओ, सिलोनी को।
ठीक है, क्यों रो रही है? मासी, हम बाग से खेड़ के वापस आ रही थी कि रस्ते में कलमुआ बदशकला बुड्ढा नूरा आ गया और सिलोनी को गौर गौर से देखने लगा। कहता है कि मैं तेरा खामंद हूँ, ये मेरे घर आ लिए और जब जब उसको जाने का कहा तो कहता है अब रूह को तीन जल्द मांगूंगा। तू ना रो। मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी का मुंह धोया है। बाबा के लिए क्यों रो रही है? इसकी शादी हो रही है, ये हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। बाबा तेरी गुड्डी कहीं नहीं जा रही। बाबा तेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है। मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, मेरी गुड्डी है। क्यों मेरे बाबे को डरपोक बना रही है कमलिए? डॉक्टर ने कहा है इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दवाई दूंगी, नशे से सुकून मिलेगा। मेरी गुड्डी है, खान सिंह ने तुफैल का कितना इलाज करवाया है पर वो अभी तक ठीक नहीं थी रहा। दिमागी झटका ऐसा लगा है बेचारे को कि अपनी होश हवास में नहीं रहा। हाय हाय यार, शोबे की किस्मत ही भेड़ी है। खान सिंह ने चंगे से चंगे डॉक्टर को भी दिखाया है। सुना है शहर में तुफैल को बिजली के झटके भी लगे हैं पर दिमाग और दिमाग ठीक होता या ना होता मगर बिजली के करंट से वो मर जाता। ये कैसा इलाज है? मैं तो कहता हूँ किसी पीर फकीर से दम दरूद करवाएं। ऐसी दवाई दी है कि बेचारा गुम सुम थी गया है। यार रब नवाज, क्या ख्याल है तुफैल को खान सिंह के डेरे पर न ले आए? शायद वो रौनक मेला देखेगा तो उसे कुछ याद आ जाएगा। कुदरत ठीक करने पे आई तो निक्की सी गाल पे ठीक कर देगा, इवें बहाना बनता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खान सिंह किधर है? मैंने बात करनी थी। बख्शु बिरा, वो खान सिंह कई दिनों से गांव में नहीं आए। खैर तो है ना? अल्लाह सब की खैर करे। मैंने नूरे बिरा की शादी की बात करनी थी। 8 साल में कुछ लोग वन्नी के निकाह को भूल गए, अब रुखसती का टाइम आ गया। हाँ हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ। निकाह तो हुआ था शराई तौर पर, तो फैल की थी नूरे की घर वाली है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे भिरा नूरे का घर बस गए। लेकिन एक गाल याद रखना बख्शो, ऐसी शादी तोड़ नहीं चढ़ती। अल्लाह खैर करे, जब वो रुखसत हो के मेरे घर में आएगी ना तो फिर सब कुछ सीख जाएगी। घरदारी रोटी छोटी हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ओए पहले तो फैलो उसके घर वाले से तो पूछो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है, जब से निकाह हुआ है ना तो फैले के घर में उसकी दी हमारी अमानत है। जब हमारा दिल करेगा हम जहां जिले के पहुंच जाएंगे।
और फिर भी इतला देनी तो जरूरी है। फैजा मर जाए बिचारी कलम कर लिए, कम कार करने वाला तो बेचारा घर में बैठ गया है और उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई। मैंने डाली है जंजीरें। मैं तो कहता हूँ खान साईं तू फैले को शादी से पहले पागल खाने में दाखिल करा दे। चल 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 चल, जंजीरें पड़ गई है। आए बसाया आया आया दिल तो करता है इसकी गिच्ची मरोड़ के इसको मार दू। नहीं नंबरदार नहीं, मैंने अपने गुस्से को बड़ा जब्त किया है। अच्छा अल्लाह तो देख रहा है ना। बाबा जानी मैंने अपनी हर तरह से कोशिश की है मगर रिदा शायद उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही या फिर वो समझना ही नहीं चाहती। आदिफ बेटा उससे मिनाल के जितना करीब कर सको बेहतर है। उसे मिनाल की मोहब्बत में मिठाओ, गुलसुम से वो जितना दूर रह सके अच्छा है, वरना वो तबाह कर देगी उसे। पता नहीं कि औरत मुझसे किस जुर्म का बदला ले रही है। रिदा को हर हाल में इस आग से बचाना होगा, उसका मुस्तकबिल बहुत अहम है। तुम ऐसे करो कि मिनाल से कहो वो अपने खानदान में कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा लें ताकि ये फर्ज भी हम अदा कर लें। ठीक है बाबा जानी, मुझे इजाजत है। यस जमाल। हाँ भेज दो उसे अंदर। सलाम वाडा साई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ, गांव में सब खैर है? सब खैर है जी, बस एक अर्ज करनी थी जी। हाँ बोलो। वो जी बख्शू आया था जी, कह रहा था जी नूरे की शादी करनी है जी, जितनी जल्दी थी सके। इतनी जल्दी क्यों है उसे? मेरा ख्याल है सही नूरे को फिक्र थी गई है जी कि कहीं कोई रौला शौला ना पै जाए जी। उसे कहो निकाह हो चुका है, बस रुख्सती करनी है, मैं वापस आके करवा दूंगा रुख्सती। और हाँ तुफैल से कहना कि पैसा से कहना कि वो भी तैयारी मुकम्मल कर ले। ठीक है सही। अच्छा ठीक है, तुम जाते हुए जमाल साहब से मिल लेना। जमाल इसे कुछ पैसे दे देना। बाबा जानी आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश तैयार किया। ओहो यानी आज बदपरहेजी हो जाए। कभी कभार हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मिनाल बेटी तुम अब फटाफट रिदा को भी खाने बनाने सिखा लो। मैंने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दें। मेरी बेटी कोई भेड़ बकरी नहीं खाता कि जिसके साथ चाहे आप भेज दें। इसके लिए लड़का पहले मैं पसंद करूंगी, उसका खानदान हैसियत और मर्तबा मैं देखूंगी। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अम्मी जान मनाल बेटी रिश्ता तो बहरहाल तुमने ही पसंद करना है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी पसंद पे भरोसा है। फिर भी अम्मी जान का मशवरा जरूरी है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ लेकिन बाज मामलात में आखिरी फैसला घर के सरबराह का होता है और आज मैं सारी जिम्मेदारी मिनाल को दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच बाबा जानी। ऐसी जिम्मेदारी का एहसास साहिब औलाद को होता है खान साहब,
वही ममता के जज्बात समझ सकती है जिसकी गोद में खानदान, बिरादरी की इज्जत और नस्ल का वारिस हो। अम्मी जान, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारा खानदान कहता है, अम्मी जान ने कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई। बड़ा ख्याल है आपको भाभी के मूड का। औलाद देना ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में, मुझे कोई दुख और परेशानी नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे लगे। वो जब चाहेगा नवाज देगा, 8 साल तो कोई बात ही नहीं। मैं कल वापस घर में आ रहा हूँ, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। और अदा, कल से तुम आतिफ के साथ वापस जाया करो। भिराओ, बिरादरी का ये कठ इसलिए कीता गया है कि मेरे वडे भिरा नूरे का निकाह आज से 8 साल पहले तुफैले की धी सलोनी के साथ हुआ था। आज हम रुखसती के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खान साईं लड़की वालों से जांज की तारीख लेकर दें। ये सब पंचायती भिरा हमारे साथ है, इन सब का जो वादा है वो जल्दी पूरा किया जाए। ढोल बचेंगे, जांज चढ़ेगी, उस्ताद नूरा खुद, बकलम खुद, झुम्मे डालेंगे और वसाया वेले चुड़ेगा। और सबर कर, सबर कर, खान से शाम को आज कहीं वेले भी गांव में आ सकते हैं। ठीक जाएगी बात, झुम्मे मारेंगे। वाह नूरे तेरी किस्मत, रूड़ी को भी बख्त लग गया। सारी हयाती किसी ने मुंह नहीं लगाया, अब जंज की बात करता है। वाह तेरी शान है मेरे मौला। जल्दी आए बख्शू बिरा, आज दुश्मन सर रहे आए आए। अब बिरा मैं अपने वलीमे पे सारे गांव वालों को रोटी खवाऊंगा। खुश हो ना? खुश है, खुश है, सब खुश है, दुश्मन का सर ले दे। आया बताया, आया आया। मत कह मुझे थी, तू मेरी माँ नहीं है। तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं, माँ तो अपनी औलाद की खातिर खुद सुली चढ़ जाती है, हर रात आप बर्दाश्त कर लेती है, पर दी को कुछ नहीं होने देती। तू कैसी माँ है? अपनी ही को एक जी को दो सकी आग में तका दे दिया। क्यों अम्मा, क्यों? इसलिए बात नहीं है कि तेरा पागल बाप की भाग न जाए।
अपने कर्म लिए जो भी है हमारे सिर पर तो बैठा हो। इसकी वजह से किसी की जरूरत नहीं कि कोई हमें तंग करे। बाबी जिंदा लाश पर इसका आसरा तो है। अम्मा मैं को माफ कर दे अम्मा। तुझ पर कृपा तुम मेरे को माफ कर दे अम्मा। बुआ तू क्यों आया है साढ़े घर? तू भी शादी की बात करने आया है? नहीं मैं तो देख माई ठीक है कि तू रिश्ते में बेटा बदल नहीं जा लगता लेकिन दुश्मनी ऐसी कि ते गया होना ठीक नहीं है। पहल की बीमारी ने इस घर की छत टिकंदा कमजोर कर दी है। गांव वालों की एक ऊंची आवाज ये घर गिर जाएगा। तू मेहरबानी करके आना आया कर। बुआ सलोनी मेरी बहन है मेरे को इतनी इजाजत दे दे उससे मिलने आ जाया करो। चाचा नूरा जंज की तैयारी कर रहा है। बहु मुड्डा कट बुलाया था उसने और सुना है खान साहब भी आ जाएंगे ताकि रुखसती जल्दी हो जाए। जो फैसले ठीक गए है ना वो पंचायत ने कराए थे और वही उन पे अमल कराने की जिम्मेदार थी। पर बाबा और चुप है खबरदार एक लफ्ज ना बोलिया और सुन एंदा तू फैले के घर ना जाई। पहले उस फैजा ने अपनी मासूम शक्ल से नजीरे को पागल किया है अब वो सलोनी कहीं तुझे ना दीवाना कर दे। बाबा 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 माही के बाबा तूने भी तो गलत बात की है। चुप है वरिया माही की हिमायती गलत बात की है। इसका तो दिमाग ही खराब है। बिल्कुल गलत फैजा ये नहीं हो सकता। देख फैजा बहन तू भरी पंचायत में ही फैसला कर चुकी है हो भला किवें बदला जा सकता है। तेको रब के वास्ता मेरे को बचा ले अपनी दीद समझ कर मेरे को शादी नहीं करनी है। बुआ शर्मा मेरे को बचा ले। खान सही आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है फैसला बदल दो
मेरे को अपने हाथ से गोली मार दो, मेरा गला दबा दो, पर नूरे की डोली में ना बिठाओ। फैजा, मैं पंचायत का सरपंच हूँ, अपना क्यों वह फैसला कैसे बदल सकता हूँ? अपनी बेटी को समझाओ। मैं कुएं में छलांग लगा कर जान दे दूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। सलोनी, तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम नूरे की बीवी हो, अब तो सिर्फ रुख्सत ही बाकी है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मा, 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 मैं घुसा रही हूँ, अम्मा, मैं घुसा दी नहीं करनी, अम्मा, मैं घुसा। माही, तेरे सोचने ये परेशान होने से क्या थी सकता? अब तो पूरे गांव में नूरे चाचे की और सलोनी की शादी का रौला मचाओ। मैंने बाबे से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी की नहीं सुनी, बल्कि ऐसी पुठी बात कर दी कि मेरा तो दिमाग खराब थी गया। और तो खुद बता रानी, हमें लग दुश्मनी हो, क्या मेरा सलोनी का कभी कोई चक्कर थी सकता है? तौबा तौबा, तेरे बाबा ने बात की है? हाँ, आखिर नूरे का भरा है, उठी मत तो होगी ना। ओ, ये कैसी शादी हो रही है गांव में रानी? ओ, गांव के कई घरों में तो लोग रो रहे हैं। माही, भावे रोते भावे हंस, रुखसती तो होनी है। ओ, तेरा चाचा किसी खूह में नहीं गिर सकता, ये किसी घोड़े से गिर के उसकी दोनों टांगे टूट जाएं। मोए को कुछ तो हो, हमारी सोनी शहजादी सलोनी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शाला बर्बाद थी वे। बुआ फैजा खान से जरूर बात करेगी, देखो क्या करते हैं। एक सूरत है जिससे वक्ती तौर पे रुखसती टल सकती है। खान साहब, जैसे कैसे ये शादी रुकवा दें। कसम से मुझसे सलोनी का ये हाल देखा नहीं जाता। शर्फा, मुझे इस बच्ची के दुख का एहसास है। मैंने तो फैल से कहा था कि तुम समझो कि सलोनी को तुमने मुझे दे दिया, तभी तो जाकर उसका जोश और गुस्सा कम हुआ था। अल्लाह को सलामत रखे, आपकी औलाद की खैर हो। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ दिनों के लिए रुखसती रुक जाए। खान साईं, आपकी बात भला कौन टाल सकता है? वो तो ठीक है शर्फा, लेकिन सरपंच होने की कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। तुम लोग खुदा से दुआ मांगो, वो मदद करने वाला है। फैजा, तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ। मुझे यकीन है अल्लाह सोना जरूर कुछ करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया शर्मा मैडम। सारी भी तो धी है सारी। खान साई ने
हंगामी तौर पर यह कट बुलवाया है, इसलिए आप सबको इत आने की दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो सर। हुकम खान सर। भाइयों, इस कट का मतलब एक बहुत ही अहम मामले को आप सबके सामने लाना है। फिर जैसे आप सबकी सलाह, हम उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। आपकी क्या सलाह है? जैसे कि आप सब जानते हैं, तुफैल बदहवास हो गया है, मतलब पागल हो गया। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया। उसका वहशीपन और पागलपन के दौरे तो खत्म हो गए। उम्मीद है कि याददाश्त भी लौट आएगी। लेकिन इस दौरान एक और बात वाजे तौर पे सामने आई है, और वो है तुफैल की बेटी सलोनी की बीमारी। पागल बाप के साये में पलने वाली बच्ची उसी तरह चीखती है, पागलों जैसी हरकतें करती रहती। साई, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। हाँ बोलो। साई, पूरा गांव जानता है कि सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है। ना खान सही, ना ये सब झूठ है खान सही, गलत है। सलोनी बिल्कुल ठीक ठाक है, चंगी भली है, घर में कम कार करती है, सहेलियों के साथ बाहर घूमती फिरती है। खान सही, वो भला पागल कैसी हो सकती है? मैं मानता हूं। ऐसा करते हैं कि पंचायत के सारे लोग मेरे साथ तुफैल के घर चलें, आप सब चलें। अगर वो ठीक है जैसे नूरे ने कहा, तो 15 दिन में उसकी रुख्सती नूरे के साथ कर दी जाए। मैं को मंजूर है खान से, मंजूर है। ठीक है साईं, ठीक है। आप सबका फैसला हमारे से रखी पे साईं। चले जा रही है।
नहीं, बाहर निकल, निकल बाहर, मेरे देवो चले गए, निकल। पागल थी, गई थी, चले गए। बाबा, बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तेरी वजह से मेरी कुटी की जज गई है, मेरी कुटी की जज चले गई है। हम खान साईं की बात से इत्तेफाक करते हैं। जब तक बच्ची ज़हनी तौर पर बीमार है, उसकी रुखसती ना की जाए। खान साईं ने वादा किया है कि तुफैल की बेटी का इलाज शहर के डॉक्टर से करवाएंगे और उसके ठीक होते ही उसकी रुखसत की तारीख भी रख दी जाए। ये हम सब का मुत्तफिका फैसला है। हमें अपने वादे और वन्नी के निकाह का एहतराम है, लेकिन तुफैल की बेटी की बीमारी का भी ख्याल है। उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और ना कोई बंदा तुफैल की घर वाले की तरफ से बोला, और ये हम सब ने इंसाफ करना। यूं समझो नूरे के तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी जा रही है ताकि वनी के रस्म पे होने वाली शादी हंसी खुशी हो जाए, और मैं आप सबसे भी वादा करता हूँ कि जो फैसला हमने किया है उस पर हम आज भी पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह। ये आप क्या कर रहे हैं? नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते। Why? क्योंकि इन फाइल्स पे साइन सिर्फ MD साहब ही कर सकते हैं। तो क्या मैं मालिक नहीं इस ऑफिस की? I'm sorry to say, ma'am, लेकिन अभी आप इस ऑफिस में इंटर्न ही हैं। मिस्टर जमाल, मैं ही साइन करती हूँ और मैं ही करूंगी। Whatever. लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इन फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते। मिस्टर जमाल, I am the owner of this office. You got it? Yes, you are part of this company. लेकिन आप MD की चेयर पे बैठ के गलती कर रही हैं, और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता। क्या क्या क्या? मैं गलती कर रही हूँ? I am afraid you do not qualify to occupy this chair. Shut up, Jamal. Enough is enough. Rida. बदतमीजी है ये। जमाल हमारे ऑफिस का मैनेजर ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। आज तक बाबा जानी ने इस ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से इस टोन में बात नहीं की। इट्स ओके आते, सॉरी करो जमाल। रिदा, आई सेड अपोलोजाइज टू जमाल। सॉरी। I'm sorry, Jamal. मैं बहुत शर्मिंदा हूं। It's okay. Hello. अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आते बेटा, तुम काम छोड़ के गांव पहुंचो, रात खाना हमारे साथ खा लेना, बहुत जरूरी काम है। खैरियत बाबा जानी? हाँ हाँ, सब खैर है, बस तुम गांव पहुंचो। ओके बाबा जानी, खुदा हाफिज। ये तो आपने बहुत चंगा किया खान साईं। ठहरो आदिल, जो सलूक तुमने मेरी बेटी के साथ ऑफिस में किया है, आइंदा ऐसा करने की जरूरत ना। हम ये घर भी छोड़ देंगे और रिश्ता भी। अब जान आप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हमें इतना मजबूर ना करो कि हम कोर्ट के जरिए नोटिस दिलवाकर अपना हिस्सा मांगे। मेरी बेटी ऑफिस में मुलाजिम नहीं, मालिक बनके रहेगी, और उसे वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो तुम्हें और तुम्हारे बाप को मिलता है। I'm sorry, रिदा। कल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम कर दी जाएंगी। Thank you.
भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके बेडरूम में प्यारे प्यारे बच्चों के पोस्टर्स लगा दूं। चलो बच्चे ना सही, उनकी तस्वीरें तो होंगी ना। इनको जरा खींच के रखना पड़ेगा, बड़े मालिक बने रहते। आपका कोट। थैंक यू। अच्छा एक बात तो बताइए, ऐसे तो कभी बाबा जानी ने आपको यूं गांव नहीं बुलाया, अब अचानक आप गांव जा रहे, खैरियत तो है? कहीं वो शर्फा का मसला तो नहीं है? ना, बाबा जानी मेरे ख्याल से अच्छी तरह वाकिफ है, वो शर्फा के मामले में मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक और बात करनी है आपसे। हाँ। देखिए शर्फा बाबा जानी के निकाह में है और उस हिसाब से आपकी माँ और मेरी सास लगती है ना। तो अगर गांव में कोई ऐसी वैसी बात हो ना तो प्लीज सब्रता हम उनसे काम लीजिएगा। ओके जाओ। नहीं एक बात, आप अभी शहर से गांव जा रहे हैं तो कुछ लेते जाए ना, कोई भी चीज, भले बाबा जाने के लिए ले जाए, कुछ भी। ओके बाबा, आई एम गेटिंग लेट, जाओ। पैदल जाएंगे क्या? गाड़ी में। तो गाड़ी की चाबियां तो लेके जाए। छोटी छोटी सी बातें आपको याद दिलानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। थैंक यू, अब जाओ। चाय। नाउ व्हाट? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेवकूफ। मेरी तुफैल, तुफैल यार, मेरे को माफ कर दे यार। अगर उस रात मैं तेरे को ना पकड़ता तो अपने घरवाली और सलोनी थी के साथ इस गांव से चला जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। यार तो फिर मेरे को माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे यार। मेरा नाम बिरदार, ये सब कुछ तो हमारी किस्मत में लिखा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। चुनरी नो सिर तो उतार, सोली जदों टंगदा ना।